रिलायंस जियो का नया 4G स्मार्टफोन इस बार आपको फीचर फोन नहीं बल्कि आपको 4G स्मार्टफोन मिलेगा जिसका नाम होने वाला है जियो फोन नेक्स्ट। इसमें आपको गूगल कंपनी की तरफ से जो एंड्रॉइड OS मिलने वाला है वो इस फोन के लिए खास इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी जो परफॉर्मेंस है, जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी जबरदस्त मिलने वाला है। इसी के साथ बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट एंड्रॉइड फीचर्स है वो सभी मिलने वाले हैं, लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट आपको मिलेंगे, साथ में आपको सिक्योरिटी अपडेट भी यहाँ पर मिलने वाले और बहुत ही जबरदस्त जो कैमरा है, जो कैमरा होने वाला है बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा और कैमरा में आपको काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको गूगल कैमरा का सपोर्ट भी दिया गया है, साथ में आपको ऑगमेंटिंग रियलिटी वाले जो फिल्टर्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट कैमरा फीचर्स देखने को मिलेंगे, नाइट मोड का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर्स आपको कैमरा में यहाँ पर जो कैमरा फीचर्स हैं वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर गूगल वॉइस असिस्टेंट वाला फीचर आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक रीड अलाउड जो है ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी कि स्क्रीन पर कोई भी टेक्स्ट है तो आप उसे जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और बताया जा रहा है कि इस फोन की जो कीमत होने वाली है वो किसी भी कंट्री के अंदर यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सस्ता जो है ये 4G स्मार्टफोन होने वाला है। जी हाँ, सबसे सस्ता ये 4G स्मार्टफोन होने वाला है। फिलहाल हम यहाँ पर इस फोन की फोटोज देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पर फोटो जियो फोन नेक्स्ट का, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का जियो फोन नेक्स्ट जो है यहाँ पर फ्रंट से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर सभी गूगल के एप्स आपको देखने को मिल रहा है, प्ले स्टोर का सपोर्ट, माई जियो आपको देखने को मिल रहा है, साथ में गूगल लेंस वाला भी सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फ्रंट इमेज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जियो फोन नेक्स्ट के साथ में, हम मैं आपको जो पूरा फोन है वो भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये सेकंड इमेज आप लोग देख लीजिए, जहां पर फोन आपको बैक पैनल से भी दिखाई दे रहा है, रियर पैनल भी दिखाई दे रहा है और फ्रंट भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है।